दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट का पार्सल और इसमें है रियल मी बर्ड्स क्यू। दोस्तों मैंने रिसेंटली इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और ये मुझे तकरीबन 1799 रुपीज़ का पड़ा है। हाँ जी, ये डिस्काउंट में चला था 200 का, क्योंकि ब्लैक वेरिएंट है ये और ब्लैक वेरिएंट है 2000 का ही आ रहा था, और जो इसका येलो और वाइट वेरिएंट है वो 1799 का आ रहा था। बट अभी जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो मुझे ये ऑफ़र में 200 रुपीज़ चीपर मिल गया। तो दोस्तों मैंने इसे परचेज़ तो कर लिया है, अब देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है ऊपर ही ये रियलमी बर्ड्स क्यू खुद। तो दोस्तों ये रहा बर्ड्स क्यू खुद, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका ब्लैक कलर है, और इस बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है जिसमें आई थिंक हाँ इसका ये डेटा केबल है चार्जिंग के लिए, जो कि एक माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है। और इस बॉक्स के अंदर एक और आपको मिल जाता है ये पेपर वर्क रियलमी बर्ड्स क्यू के नाम से, जिसमें आप इसको कैसे पेयर करते हैं और रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड वगैरह क्यूआर कोड सब दे रखा है, जहाँ से आप स्कैन करके रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड करके अपने इस बर्ड्स क्यू को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से। दोस्तों इसमें काफ़ी फीचर्स आते हैं और रियलमी लिंक ऐप के ज़रिए आप काफ़ी चीज़ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए बहुत ही प्यारा है और ग्लॉसी फिनिश है ब्लैक कलर में, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब मुझे बस देखना है कि इसका साउंड सिग्नेचर कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन लाइट है जो आपको ये चार्जिंग के टाइम पे इंडिकेट करेगा, चार्जिंग का फुल चार्जिंग और यू नो चार्जिंग होते रहे उसके लिए उस टाइम पे ये शो करेगा। तो दोस्तों ये बर्ड्स क्यू हैं। दोस्तों ये ज़्यादा बिग भी नहीं है और ना स्मॉलर है, काफ़ी एडिक्यूट साइज है इसका, और इसका जो स्ट्रक्चर है बनावट बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइट वेट है ये दोस्तों। हाँ ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैग्नेटिक है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे रखते ही ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा और चार्जिंग सॉकेट में अपने आप लग जाएगा ये बॉक्स के अंदर जो है। दोस्तों ये जो केस का जो इस बिल्ड क्वालिटी है वो बेसिक है, बिकॉज ये बहुत ही यू नो चीप प्लास्टिक है। अगर आप इसे फोर्सली अगर खोलते हैं तो ये टूट सकता है, क्रैक हो सकता है और ढक्कन आपके हाथ में आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों आप इसको बड़े ही सावधानी से इसके जो ढक्कन है उसको खोलें। और बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा है, मैग्नेटिक होने की वजह से ये केस में ऑटोमेटिकली लग जाता है जैसे आप उसके नियर इसको लेके जाते हैं, कुछ इस तरह से। और लाइट वेट है तो पॉकेट में आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, कुछ हैवीनेस फील नहीं होगा, और कुछ इस प्रकार से आपको अपने डेटा केबल को इसमें इंसर्ट करना है चार्जिंग करने के लिए। और इसका जो दूसरा सिरा है यूएसबी पोर्ट का, उसको आपको अपने किसी भी चार्जिंग एडेप्टर में लगा लेना है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, और ये जो बर्ड्स क्यू है ये चार्जिंग होने लगेगा। दोस्तों ये बर्ड्स क्यू चार्ज होने में मैक्सिमम 30 मिनट्स और 35 मिनट्स का टाइम लेता है, उसके बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा और ये ग्रीन लाइट शो होने लगेगा इसमें। तो दोस्तों मैंने इसे इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि इसमें 10mm के ड्राइवर्स आते हैं, रियलमी लिंक ऐप आता है जिससे कि आप इसके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके टचेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इनके 10mm के ड्राइवर्स आते हैं जो आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी देता है। अभी 2000 के अंडर में कोई भी TWS इस तरह का साउंड क्वालिटी मेरे ख्याल से तो नहीं देता है। इसमें ड्राइवर्स अच्छे दे रखे हैं, इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी है, 20 आवर्स का केस के साथ इसकी बैटरी बैकअप आता है और 4.5 आवर्स ये सिंगल बर्ड्स की बैटरी बैकअप है। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको इंडिविजुअली भी यूज़ करते हो सिंगल सिंगल करके, तो एक बर्ड्स आपको 4.5 आवर्स की बैटरी लाइफ दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन माय ओपिनियन ये एक पैसा वसूल डील हो सकती है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही बेहतर लगा है। दोस्तों छोटा साइज होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा फिट होता है कान में, और मुझे बिल्कुल भी बिग या फिर कान में चुभने जैसा कुछ फील नहीं हुआ है, और काफ़ी कंफर्टेबल फील के साथ ही आता है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।